तो दोस्तों एक बार आप चेकआउट करो, यह है गुलर ब्रिज डैम। तो उसके आप सामने देख रहे हो, इधर जो है बोटिंग होती है। अरे गाइड हमारे साथ एक जाने कहां गया, जंगल में खो गया। हम देख के आते हैं। मिल गया मिल गया, ये बोलू ये है इधर खो जा रहा गाइड, जिसको हम ढूंढते ढूंढते बड़े परेशान हो जा रहे हैं। अब इधर उधर मत जाना गाइड, ठीक। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है फिलहाल, अभी टाइम जो है 10:51 हुए हैं। फिलहाल हम जाने वाले हैं गुलर ब्रिज डैम। तो दोस्तों अभी जो है हम निकल चुके हैं गुलर ब्रिज डैम की ओर, तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। और भाई आज जो है धूप आई हुई है ना, और गर्मी इतनी हो रही है ना, पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बेहिसाब, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, क्या बताओ आप तुम्हें, मतलब हो रही है। यहाँ जब बारिश हो तभी शांति है, नहीं तो गर्मी है तो भाई हालत ख़राब हो जाती है बेहिसाब वाली। तो चलते हैं यार, जस्ट धूप भी बहुत तेज लग रही है। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है हम बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, तो इधर हम कर रहे हैं अपने भाई का वेट। तो इधर बैठा हुआ शंकर भाई, बाइक खड़ी हुई है हमारे यहाँ पर सामने, और भाई स्टैंड पे हम बैठे हुए हैं, और पीछे हमारा बिग बाज़ार मॉल। तो हो सकता है अगर शाम को यहाँ घूमने आए तो यहाँ भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल तो हमारे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। ये है गेहूँ की खेती। बार आप चेकआउट करो, ये है गुलर ब्रिज डैम। और मतलब यहाँ पर जो हवा चल रही है ना, एक अलग ही लेवल में चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। तो भाई अगर तुम्हें गर्मी लगे तो शाम को यहाँ पर आओ, ठंडी ठंडी हवा खाओ और व्यू के मज़े लो, मतलब फुल व्यू के मज़े के साथ यहाँ पर हम ले रहे हैं मज़े। और आप भी देखो एक बार, तो बड़ा शानदार सा व्यू है इधर का, तो देख रहे हो। तो भाई इधर आए घूमने के लिए हम, मस्त जो है। तो अभी तो फिलहाल मतलब डैम जैसा तो लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई समंदर के आगे आ गए होंगे, और बहुत प्यारा सा दिख रहा है, तो मतलब मज़ा आ गया। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं डैम की दूसरी साइड में, और इधर का व्यू देखो, नीचे एक साइड का डैम के, लेफ्ट साइड का और राइट में अपना डैम। तो चलते हैं इधर जो है, यहाँ से आप अंदर जाके व्यू का मजा ले सकते हो डैम का। देखो इधर सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से, और नीचे बोटिंग करने के लिए बोट है। और ये बोट है ये तो मतलब पुरानी सी लग रही है, अब तो रिटायर हो गई होगी बोट है, जैसी दिख रही है तो मतलब ख़राब हो गई होंगी ये जो नीचे बोट है। और उधर साइड में तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हो, जो बोटिंग के लिए उधर साइड में है। और इधर जो है यहाँ से आप खड़े होकर व्यू का मजा लो, और बड़ा शानदार सा व्यू दिख रहा है। भाई ज़्यादा फ़ोन को इधर उधर नहीं करता हूँ, क्योंकि फोन गिर गया तो एक ही फ़ोन है भाई, दोबारा नहीं आएगा। तो फिलहाल यार मज़ा आ गया, मतलब बहुत सुंदर सा व्यू और खतरनाक व्यू है देखो। और जो है हल्का हल्का जो है मौसम भी साफ हो गया, और जो व्यू दिख रहा है ना यहाँ से भाई, देखने में इतना मज़ा आ रहा है, डैम जैसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच में आ गए ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर आके। तो दोस्तों इस साइड में जो है ना मछलियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी ना, तो दूसरे साइड उधर साइड में जो है मछलियाँ मार के जो है लोग खाते हैं, तो उधर आपको जो है बाद में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, एक अलग ही लेवल में चल रही है, मज़ा आ गया फुल। और डैम मतलब मस्त है यार, आओ एक बार जरूर घूमते हैं गुलर ब्रिज डैम, गुलर पुल में है। तो देखो और ठंडी हवा भाई, क्या बताओ। तो ये हफ्ते परवीन भाई, तो फिलहाल मैं शंकर और परवीन भाई आ चुके हैं गुलर ब्रिज डैम में। तो परवीन भाई जो है गुलर ब्रिज डैम के बारे में बताएंगे आपको कुछ, तो भाई बता बता दिए
पिछली बार तो बताया था तुमने, आज यादाश्त कमजोर हो गई ना भाई की, तो फिलहाल भाई को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो हम आए हैं तो फोटो वोटो शूट कर लिया हमने, और फिलहाल तो भाई व्यू कुछ ऐसा, और ठंडी हवा इतनी मस्त चल रही है आपको, और आगे चलते हैं और आगे भी व्यू दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल तो भाई वेदर कुछ ऐसा है, चेकआउट करो एक बार। नदी के किनारे पे जा रहे हैं, देखते पानी ठंडा है गर्म है कैसा, नॉर्मल है। भाई पानी तो बहुत ठंडा है, मजा आ गया। मजा आ गया तो भाई पानी, और यहाँ पर जो हवा चल रही है ना, इसमें नहाने को तो मन कर रहा था, तो नहाए कैसे, कपड़े तो कुछ लाए नहीं हम, तो नहीं तो नहा लेते, नहीं तो नहा लेते हम। और जो ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, एकदम मज़ा आ गया, और यहाँ का व्यू ना इतना मज़ेदार व्यू है, बहुत मस्त व्यू है, और वेदर के साथ इतना मस्त व्यू इन्जॉय करने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर घूमते घूमते ना जो है हमें जो है दो जो है भैंस के बच्चे दिखे, मतलब काठ बोल सकते हैं उनको, पहाड़ी में काठ बोलते हैं। तो ये देखो सामने डैम है, और इधर जो है मतलब खाव जैसा है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इनको लग रही होगी गर्मी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, जब हमको गर्मी हो रही तो पशुओं को भी तो गर्मी होती होगी, जानवरों को भी गर्मी होती है। तो इस हिसाब से देखो जो है आराम से ठंडे में बैठा है और सामने व्यू का मजे ले रहा है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आराम से अपने शरीर को ठंडा करने के लिए जो खाव में बैठा हुआ है। फिलहाल व्यू कुछ ऐसा है, और नीचे का भी देखो आप, तो अभी हम जो है डैम की दूसरी तरफ आ गए हैं, और इधर भी जो हवा चल रही है ना, देखो पेड़ को हिलते हुए देखो, मतलब यहाँ गर्मी में ना प्लेन्स में हवा मिल रहा है ना, एकदम एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मतलब यहाँ पर बैठ के और यहाँ पर खड़े होकर व्यू देखने का जो हवा चल रही है ना, एकदम मज़ा आ रहा है भाई फुल। और अभी दिखा दो आपको दूसरी साइड इधर कैसा है। फिलहाल तो यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं, और लोकेशन कुछ ऐसी है, देख रहे हो, तो अभी दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको, और एक बार देखो क्या हवा चल रही है। अब हम आते हैं डैम की दूसरी साइड को, यहाँ ठंडी हवा हो रही है, या हम सोच नहीं सकते इस चीज़ को। अब उधर देखो इतनी गर्मी हो रही थी, यहाँ देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी हवा चल रही है, तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए। क्या आप सामने देख रहे हो, इधर जो है बोटिंग होती है, तो यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। फिलहाल देख रहे हो तो सामने है बोटिंग के लिए, दूसरी साइड में आके है, इधर की व्यू लोकेशन को चेकआउट करो, मतलब इधर देखो यार घना जंगल, और बीच में यह तालाब जैसा बनाया हुआ है, और बहुत प्यारा सा बना रखा है, देख रहे हो। तो प्रवीण कैसा लग रहा है यार नज़ारा? बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो छोटे छोटे बना रखे हैं, इधर जब ज़्यादा हो जाता है तो इधर साइड छोड़ देते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा होने के चले जाता है पानी। तो जैसे पानी छोड़ने वाला है वो है बोरिंग, पानी छोड़ने वाला, तो ये डैम का पानी छोड़ने वाला नीचे का एरिया है, जब ज़्यादा पानी भर जाए तो इस साइड को नीचे की साइड पे इधर निकल जाते हैं। अरे गाइड हमारे साथ एक घूम खाओ, जाने कहाँ गया, जंगल में खो गया, हम देख क्या थे जा रहे हैं, मिल गया मिल गया, ये बोलू ये इधर को जाना है, इधर ये खो जा रहा है गाइड, इसको हम ढूंढते ढूंढते बड़े परेशान हो जा रहे हैं, अभी इधर उधर मत जाना गाइड, ठीक है गाइड। अच्छा, और डैम के नीचे आने के बाद ना जो जंगल है इधर का भाई, यार मज़ा आ गया देख के, और जो कीड़ों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, वाह, और मतलब व्यू मस्त है भाई। दोस्तों ये जंगल है, इधर जो है घर होंगे ना किसी के, तो इधर पालतू बकरी भी हैं, और देख रहे हो आराम से बैठे हुए हैं, टांग फसाड़ के देख रहे हो, और जो व्यू है ना इस जंगल का भाई, मज़ा आ गया यार। नहीं ऊपर जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इधर इतना मस्त जंगल देखने को मिल रहा है भाई, मतलब इधर घूमने लायक बहुत मस्त मस्त जगह है, तो पूरा इसको एक्सप्लोर करो अच्छे से, और मतलब मज़ा सा आ रहा है। दोस्तों फिलहाल जो है ना डैम के पूरे हम लास्ट साइड में आ गए हैं, और इधर साइड में डैम खत्म होता है, मतलब डैम के अभी हम राइट साइड में है, डैम जो है उधर लेफ्ट साइड में है, इस ऊपर जाने के बाद जो है लेफ्ट साइड में डैम, इधर साइड का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पर सामने इधर जो है लोग बैठे हुए हैं, उधर आए हुए हैं, मतलब इधर भीड़ भी हो ही रखी है जैसे देख सकते हो। तो फिलहाल तो भाई मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियों के हिलते हुए देख सकते हो आप, मतलब कितनी ठंडी हवा चल रही है, और प्लेन्स में जो है इतनी गर्मी के बावजूद जो है ठंडी हवा चल जाए ना, तो उसकी बात ही कुछ हो रहा है यार भाई, समझ सकते हो आप, तो मतलब मस्त व्यू लोकेशन है यहाँ की।
जरूर आओ, विजिट करो, देखो, घूमो फिरो यार, मजे लो। और क्या क्या जिंदगी, काम काम तो होते रहता है, घूमना भी चाहिए कभी कभार, तो एक बार जरूर आना गुलर घोष डैम। तो दोस्तों अभी जो है हमने इस साइड में घूम लिया है, तो फिलहाल जो है अब चलते हैं आगे, और आगे जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ दिखाएंगे। अगर घूमने नहीं गए तो सीधा कमरे पर जाएंगे, अगर घूमने जाते हैं तो आपको दिखाएंगे आगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो है चलते हैं, और डिसाइड अभी हुआ नहीं है, जैसे डिसाइड हुआ कि कहाँ जाना है घूमने तो आपको जरूर दिखाएंगे। और हवा देखो यार, हवा इतनी चल रही है।